वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से हम सब भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुमा मुबारक। तो आज है जुमे का दिन, और खैर जुमे का दिन तो नहीं, जुमे की रात हो चुकी है। तो अभी हम लोग निकले हैं बाहर कुछ घूमने फिरने के लिए, और प्लान तो यही है कि हम लोग आइसलैंड जाएँ। तो देखिए आगे आगे क्या क्या प्लान बनते हैं, प्लान बदलते ही रहते हैं, पता भी नहीं चलता। तो वेल, चलिए वीडियो को आगे मजीद कंटिन्यू करने से पहले आप लोग ने हमेशा की तरह से क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अवर वीडियो। वेल, वीडियो लेट आने के कुछ एक दो रीजंस हैं, और रीजंस कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है कि बस मैं थोड़ा सा हार्ट डराम हो गई हूँ, और थोड़ी सी लेजीनेस आ गई है बीमार होने के बाद, और जब से ईद की छुट्टियों से वापस आए हैं। तो वेल, इंशाल्लाह नाउ आई एम गोइंग टू प्रॉमिस विद यू गाइस कि मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपनी वीडियो लेके आती रहूँगी, कोशिश करूँगी डेली वीडियो लेकर आऊँ। सो वेल, अभी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही प्यारा, फैमिली के साथ, और एक और फैमिली है हमारी, फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आ रहे हैं वहाँ पर। उनके यहाँ जद्दा आने से हम लोगों को सच में बहुत ज़्यादा खुशी है, और हम लोग वीक के बाद कोई ना कोई बाहर मिलने का प्लान कर ही लेते हैं, और अगर दरमियान में उदासी हो तो दरमियान में भी कर लेते होते हैं। ये ना एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप लोगों के साथ कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो ना आप लोगों की एरिया में, तो फिर बहुत मतलब एक उदासी सी नहीं रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, अभी हम लोग दोनों फैमिली जो इकट्ठी हो रही हैं, उधर माइजा ने अपनी फ्रेंड हादिया को भी बोला कि हादिया आप जल्दी से आ जाओ, मैं पहुंचने वाली हूँ। तो अभी उबैद हम लोग ने यहाँ पे बकाला पे रुकी है, और उबैद लेकर आए हैं दूध और साथ ये बॉटल लेकर आए हैं कोक की। एक्चुअली कह रहे हैं मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं कुछ पीऊँ, कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ, तो बस अभी मैं दूध सोडा बनाती हूँ गाड़ी में। और एक्चुअली घर में एक दो काम हमारे और चल रहे हैं, हम लोग थोड़ा फर्नीचर चेंज करने का सोच रहे थे, और हम लोग ले भी आए हैं एक रूम का फर्नीचर, तो बस वो सेट करना है। आज उबैद घर लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर होता है कि आप दबाव के थ्रू लेकर आते हैं चीज़ें वगैरह, तो वो हम लोग ले आए हुए फर्नीचर। इंशाल्लाह जब सेट कर लेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएँगे। और चलिए अभी चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, और चलते हैं आइसलैंड, जाके बच्चों को वहाँ पर थोड़ा बहुत प्ले करवाते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करते हैं। पूरा हफ्ता ऐसा एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान घर में बैठ बैठ के। चलिए जी अभी चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए। ये देखिए जी, हम लोग एंटर हो चुके हैं, और रहान ने आते ही बोला है मुझे कैमल पे बैठना है, तो ये डैडी उसको कैमल पे लेके गए हैं। ये है देखिए जी रहान, हाय। और माइजा नहीं गई है, माइजा यहाँ पे खड़ी हुई है मेरे पास। माइजा आप क्यों नहीं गए हो? No? You are waiting for Hadia? और एक एक्टिविटी देखे यहाँ पर है, जबरदस्त, किसमें कितना है दम, ये देखे। ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे मेरा बेटा इंजॉय कर रहा है। हॉर्स पे गई है, वो कह रही है मुझे हॉर्स पे बैठना है, तो वो भी हॉर्स पे गई है। कि डैडी उसको बता रहे हैं, रोहान अभी देख रहा है कैसे चलेगा। उमाइजा, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ स्केटिंग यहाँ पे, ये देखें जी बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। अभी उमाइजा नहीं जा सकती अकेली, क्योंकि ये बच्चे सब एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए अभी इसको अकेले नहीं भेजना। अभी इंशाल्लाह जब ज़्यादा ये लर्न कर लेगी, घर में ये करती है, तो इंशाल्लाह जब ज़्यादा कर लेगी तो फिर ये जाएगी। इधर सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ बच्चे लगे हुए, इधर एक्सपर्ट्स भी हैं सारे, जो बड़े बड़े जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं मेल, ये सब एक्सपर्ट हैं।
ये बच्चों को हेल्प भी करते हैं, कोई गिर जाता है तो वो पकड़ लेते हैं बच्चों को फटाफट से। ये देखें, ये देखिए, ये एक्सपर्ट्स हैं। उमाइदा और हादिया ये प्ले करने लगी हैं। बच्चे इधर आ गए हैं इस एरिया में, इस साइड पे फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया हुआ है। ये देखिए जी, रोहान को खड़ा किया हुआ है। ये देखिए जरा, ये देखिए जी हादिया, हादिया कहती वन मोर वन मोर, अब इसके बाद नहीं कहेगी। इधर है दोनों, हादिया हादिया का वो लाइन बंद हो गया है, अब इधर आए हैं। इधर आइस बाउलिंग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा टाइम नहीं था, इस दफ़ा बच्चों के साथ होके तब हम वापस जा रहे हैं। इधर इस साइड पे देखिए फुटबॉल ग्राउंड है, और इस साइड पे अंदर स्नूकर और बाउलिंग है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और अब खाना खाने की तरफ जाएंगे, देखते हैं क्या खाते हैं हम लोग। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, डिनर करेंगे। अभी हम खाने लगे हैं पिज्ज़ा, और बिल्कुल इधर बच्चे जो हैं ये देखे हैं हादिया, और इधर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं स्केटिंग, और माइजा भी साइड पे बैठी हुई है। देखे इस साइड पे रोहान है, यहाँ पे बैठ गए हैं, और यहाँ पे ये देखे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ हम लोग। यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने सबको बाहर निकाल दिया है, अब टाइम ख़त्म हो गया फिनिश। तो वो सामने ये देखिए, ये जो लड़का है ना, ये क्लीनिंग कर रहा है यहाँ पे। अब ये देखिएगा ज़रा, यूजिंग वाइपर, ये देखें जी, क्योंकि अब 12 बज रहे हैं, तो 12:15 इन्होंने सारा बंद कर दिया। यहाँ पर हम लोग का पिज़्ज़ा आ गया है, हम लोग खाते हैं अपना पिज़्ज़ा और इन्जॉय करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों ने जो खाना बनाया हुआ है आप लोग वो इन्जॉय करिए, और हम लोग पिज़्ज़ा इन्जॉय करते हैं। चलिए जी, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस घर, और आज काफ़ी फ़न हुआ, आप लोगों के साथ भी शेयर किया। So see you in the next upcoming vlog. Till then, take care of yourself. मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।